नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ गुरुदेवी जी हैं जो 40 सालों से डेरा सच्चा सौदा संस्था में आ रही हैं। इनके साथ सीधी बातचीत दिखाते हैं, इनका क्या कहना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए। गुरुदेवी जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। 40 सालों से आ रही हैं डेरा सच्चा सौदा संस्था में। साढ़े घर बिल्कुल कुछ भी नहीं था। कितना 40 सालों से आ रही हैं? पहला बहुत गरीबी देखी है, बहुत बीमारी देखी है। अब पहले नाल में साडा बहुत सुधार है। अब कैसे हालात हैं? अब ठीक है। किसकी वजह से ये बदलाव? ये बाप पिताजी की वजह से। 40 सालों से आप आज भी आ रहे हो? हाँ। विश्वास कितना करते? विश्वास सन हो गया 10-15 साल। विश्वास कितना करते गुरु जी? विश्वास बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों? सब कुछ छोड़ दिया। कोई भी त्यौहार, कोई वार्स, कुछ भी नहीं मनाते हैं। पिताजी से विश्वास रखते हैं, इन्होंने नाल ही जुड़े हुए हैं। क्यों? इन्होंने क्या किया है समाज? इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। जितने करो उतने थोड़े हैं। गरीबों वास्ते, गरीबों के मकान बनाने वास्ते, बीमारी वास्ते, पढ़ाई वास्ते गरीबों को कराओ। इन्होंने बहुत ही सुधार किया है जनता का। दूसरी तरफ इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं सर। ये मालिक देखो किस, आपको क्या लगता है? हमारे को तो गलत लग रहा है जो मीडिया में, टीवी में दिखाया जा रहा है। ये बहुत गलत है। कभी भी आपने ऐसा देखा हो 40 सालों में पहले? कभी भी ऐसा माहौल? बिल्कुल ठीक देख रहे हैं हूँ 4 साल दे। बिल्कुल ही। क्या मांग करोगे सरकार से? हैं? सरकार से क्या मांग करोगे? सरकार से मांग करेंगे पिताजी भी ठीक है, पिताजी गलत नहीं है, सरकार गलत है। जुबात पर धन्यवाद। लोगों का लगातार यही कहना है कि संत जी निर्दोष हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ। आप भी अपनी राय डालते रहिए। पिताजी।